top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. पहले होता है, उसके बाद प्रमोशन उसका सीजीएम में होता है. तो जो यूनिफॉर्म मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, अगर आप केमिस्ट्री को देखें तो ओजोन है, आप C2H5OH है, ये सब एक पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए एक यूनिफॉर्म आपका वो फॉर्मूला बनाया गया. C2H5 है, C2H2SO4 है. अब H2SO4 एल्कोहल, एथिल एल्कोहल होता है. अब अमेरिका, लंदन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह मैं तो आई ट्रैवल होल वर्ल्ड. मैंने तो 42 से 46 कंट्रीज में ट्रैवल किया है. तो वहाँ पर अलग अलग लॉ होता है. तो इस तरह से इंडिया में भी एक लॉ सिंपल होना चाहिए. और हर कंट्री में, अगर दिल्ली में भी पहले मजिस्ट्रेट, जुडिशरी मजिस्ट्रेट नहीं बोलते थे, और आज जो है वो दिल्ली में भी वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्ड अभी आ गया है, हर जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर बोला जाता है, यहाँ नहीं बोला जाता था, यहाँ डिप्टी कलेक्टर बोला जाता था. तो इस तरह से पूरे देश में एक ही वर्ड होना चाहिए, ताकि जजेज, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जजेज होते हैं, कोई साउथ से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई मेघालय से आ रहा है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन में, सुप्रीम कोर्ट में 3 मिनट मिलते हैं आपको, तो उसमें हम अगर कोर्ट को समझाते रहे, नहीं दिस इज कलेक्टर, ये कलेक्टर है, ये डिप्टी कलेक्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये DM है, तो वो दिस इज वो गलत है, इज रॉन्ग. तो ये पूरे कंट्री में कोई भी लॉ हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड अ मेथड टू सॉल्व द इशू ऑफ राम मंदिर. डू एग्री टू दैट? सी, इन रिगार्डिंग द राम मंदिर, दिस इज द इशू, लेट कोर्ट विल डिसाइड. And without going through the all evidence, witnesses, cross examination, everything.